नगर निगम एवं निकाय चुनावों के मद्देनजर उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली रैली, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को बताया मुद्दा। उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रवि भदौरिया की नई नियुक्ति कर दी गई है। नवनियुक्त अध्यक्ष ने गुरुवार को महाकालेश्वर मंदिर से एक रैली निकाली। ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंची। कंठाल चौराहा पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक सज्जन वर्मा, विधायक दिलीप गुर्जर, महेश परमार और मनोज चावला ने नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती थी। न्यायपालिका के आदेश के कारण ये चुनाव होना है। प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान ठगा हुआ है, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट, सरिये और खाने के तेल के भाव बढ़े हुए हैं। किसान चिंतित है, ये प्रदेश सरकार छल कपट से बनी है, जनता इसे बुरी तरह से हराएगी। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष रवि भदौरिया का कहना है कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कमलनाथ के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस परचम लहराएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है, उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर सर्वप्रथम मैंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया और बाबा महाकाल से ये प्रार्थना की कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव में नगर सरकार बने, कांग्रेस का महापौर बने और मध्य प्रदेश में 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करते हुए पुनः एक बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज जनता त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से त्रस्त है, बिजली की समस्याओं से त्रस्त है। मैं आने वाले समय में ये इन्हीं सारे जितने भी समस्याएं हैं जनता की, उनको साथ में लेकर आंदोलन करूँगा।